हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी एग्ज़ाम का इंग्लिश एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो 2 है, 2/5/2019 को हुआ था, उसके डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया था, जिसके अंदर मैंने 48 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज मैं इसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, अब मैं जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच पोम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लाइन। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही इस द लोटस ईटर पर एक वीडियो बनाया था, और देखिए क्वेश्चन उसी से आ गया। नेक्स्ट है सर, यानी कि इसका आंसर है डी, लोटस ईटर। नेक्स्ट है सर, टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोइट लॉरिएट इन ईयर। टेनिसन किस ईयर में पोइट लॉरिएट अपॉइंट हुए थे? तो सर इसका आंसर है बी, 1850 के अंदर टेनिसन पोइट लॉरिएट अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट है सर, जॉन ड्राइडन्स All for Love is an example of, जॉन ड्राइडन की All for Love है किसका एग्जाम्पल है? तो सर जॉन ड्राइडन की All for Love है हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन UGC नेट में भी एक दो बार आ चुका है कि जॉन ड्राइडन की All for Love किसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सर, Who among the following said द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। किसने ये कहा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? तो सर ये जो फेमस प्रोवर्ब है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताई है। ये फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की है कि द चाइल्ड इज द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स Brutally assailed Keats second volume of verse published in 1818। तो सर इसका आंसर है ए, द क्वार्टरली रिव्यू। देखिए द बी, रम्बलर और गार्जियन जो है, ये किसी कुछ ऐसे पीरियोडिकल्स नहीं थे, ये तो वो थे आपके पीरियोडिकल्स थे, और ये जो है द क्वार्टरली रिव्यू है, ये एक लिटरेरी पीरियोडिकल्स था, जिसने जो कीट्स के जॉन कीट्स के सेकंड वॉल्यूम थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लम। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन है, तो सर देखिए इसका भी बहुत ढूंढने पर आंसर मिला कि सर लिबर एमोरिस और एसेज ऑन मैन एंड मैनर, ये दोनों विलियम हेजलिट के लिखे हुए हैं। करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर कोई वर्क नहीं है, टेल ऑफ शेक्सपियर विलियम चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने लिखे हैं। रोजामंड ग्रे एक ऐसा वर्क है जो कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस। अब इसमें बाकी सब तो सही है, ये जो न्यू गेट नॉवल है, ये न्यू गेट नोवल एक टर्म जरूर है, लेकिन डिकेंस ने कोई नोवल नहीं लिखा न्यू गेट के नाम से। बस इसी से आइडिया लगाया मैंने कि ये, क्योंकि न्यू गेट कोई चार्ल्स डिकेंस का नोवल नहीं है, इसलिए ये टर्म न्यू गेट इससे नहीं ली गई थी। नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स है सर इन राइटिंग। जब हम कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसका मतलब है सर इन राइटिंग। टचस्टोन मेथड, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर, टचस्टोन मेथड जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। मैंने आपको कई बार कहा है अपनी वीडियोस में कि सर आप लास्ट ईयर के यूजीसी नेट के पेपर सोल्व अगर कर लेते हैं तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। निजीम एजेकियल वाज अवार्डेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में एक बार आया हुआ है 1983 में, लैटरडे शाम के लिए इनको मिला हुआ है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके बाद में है सर, द करेक्ट स्पेलिंग इज क्लोरोफिल, सही लिखा है बच्चे ने। इसके बाद 65 है अफोरिज्म। अफोरिज्म
एफोरिज्म क्या होता है सर, इसमें ये जो है शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज, जैसे बैकन के जो ऐसे हैं वो एफोरिज्म के एग्जांपल माने जाते हैं कि उसमें छोटी छोटी फ्रेजेज होती हैं जो कुछ सही या वाइज बताती हैं। नेक्स्ट है सर एनिमोसिटी। एनिमोसिटी जो है सर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड है, जबरदस्त नफरत की भावना है एनिमोसिटी। नेक्स्ट है यूटिलिटेरिज्म। यूटिलिटेरिज्म का मतलब होता है सर उपयोगितावाद, और इसका ये वाला बी वाला सही है कि नेक्स्ट है सर इन ए बैलाड ए लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड विद एन एडिशन दैट एडवांस द स्टोरी इट इज कॉल्ड। सर ये एक बुक आती है एमएच अब्राम की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसमें ये एज इट इज लाइन है, मेरे को ये लाइन मैंने पढ़ी हुई थी, मुझे याद थी। ये इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है सर बैलेड के अंदर, उसने स्पेशल ये बात बताई है कि अगर कोई बैलेड में स्टैंजा रिपीट होता जाए पर उस एक लाइन तो रिपीट होती जाए, वो उस रिपीट लाइन से स्टोरी भी आगे बढ़ती जाए, उसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। नेक्स्ट है सर 69 क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड, पिंडार के ओड इनकोमियस्टिक होते हैं। इनकोमियस्टिक मतलब चापलूसी भरे होते हैं, शब्द ही बड़ा अजीब है सर, इनकोमियस्टिक चापलूसी भरा होता है। और सर इसके बाद में कि इसमें पैशन विजनरी बोल्डनेस और फॉर्मल लैंग्वेज थी पिंडार के ओड के अंदर, ओरेटियन ओड सही है बिल्कुल, इसमें पिंडार के ओड में पैशन है विजनरी बोल्डनेस है और फॉर्मल लैंग्वेज है, और होरेशियन नोट्स के अंदर काम मेडिटेटिव और कोलेक्वल लैंग्वेज होती है। एक इसमें ये गलत है सर कि रेगुलर ओट्स जो हैं वो थॉमस ग्रे ने नहीं बल्कि अब्राहम काउली ने इंट्रोड्यूस किए थे, बस यही गलती है, इसलिए इसका आंसर है सी। और पिंडार के ओट्स जो हैं वो गॉड की प्रेस करते हैं, गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं। इसके बाद है सर विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री, तो सर टिंटन एबे जो है जिसके अंदर उसने कुछ मेडिटेशन की बातें की थी वो मेडिटेटिव पोएट्री एग्जांपल माना जाता है। वैसे भी याद कर लीजिए कि एबे में मतलब था चर्च, और चर्च में बैठकर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इसलिए टिंटन एबे इसका एग्जांपल है। ग्रीक मैथ्यू आर्नोल्ड की ग्रीक ट्रेजेडी, ये भी क्वेश्चन नेट में एक बार पूछा हुआ है, मैरोप है सर फेमस करेक्टर ग्रेस मेलबरी एंड गिलीज विंटर बाउंड। सर ये इसका एक बहुत ही फेमस नॉवल था सर थॉमस हार्डी का द वुडलैंडर्स, ये वुडलैंडर्स जो नॉवल है उसमें से उसमें ये दोनों करेक्टर्स थे और बहुत ही ज्यादा The protagonist write a letter of confession, but it gets lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? तो सर इसमें ये जो टेस of the Arbor Valley में जो टेस है ना सर, उसके साथ ऐसा होता है कि वो अपने जो इसमें, क्योंकि इसमें protagonist टेस है और टेस इसमें सारा कुछ बताती है, लेकिन ऐसा ही लुसेटा से भी नहीं होता सर, टेस्ट ही है सर, कंफर्म टेस्ट है। इसके बाद है सर एक 14 लाइन पोइम इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये सर शेक्सपियर सोनेट की डेफिनेशन है, कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि सर आयम्बिक पेंटामीटर में 14 लाइनों की पोइम होती है, 3 क्वार्टराइन और एक लास्ट में कंक्लूडिंग कपलेट होता है जी जी, तो शेक्सपियर का ये शेक्सपियरियंस सोनेट है सर। ओड टू ऑटम जो है ये भी क्वेश्चन काफी अलग है सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ज्यादातर इसकी ओड जो है इरेगुलर ओड्स हैं, लेकिन ये एक ओड जो है ये होरेटियन ओड है, ये ओड टू ऑटम ये कैसा ओड है जो होरेटियन ओड है। जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स पर काफी क्वेश्चन आए हैं, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है कि बोकैशियो ने एक टेल लिखी थी इजाबेला और दी, उसी टेल का एक अडेप्टेशन किया था जॉन कीट्स ने इजाबेला और दी पोर्ट ऑफ बेसिल्स, ये क्वेश्चन है सर 77 का बी।
नेक्स्ट है सर 78 का चार्ल्स लैम के जो ऐसे हैं वो फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी है, इसमें क्राइस्ट हॉस्पिटल सही है, इसमें लैम अपनी लैम के ओल्ड स्कूल डेज के बारे में बताता है, लव और ओल्ड वेंचर लैम के ब्रदर के बारे में बताता है, ओल्ड चाइना मैरी लैम के बारे में बताता है, लेकिन ये ब्लैक स्मूर जो है ना ये कोई ऐसे ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए 78 का बी। देर वॉज ए बर्थ सर्टनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम सर टी एस इलियट की जर्नी टू द जर्नी ऑफ द मैजाई, यहां से ली गई है। नेक्स्ट है सर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट अपियर इन इंट्रोडक्शन टू टेनिसन इन मेमोरियम, सर इसमें ये सारी हैं बस द रूट्स आर रेफ्ट, ये कोई लाइन ही नहीं एक्चुअली किसी भी जगह पोइट्री की कोई लाइन नहीं है, सीधा रूफ आर रूट्स आर रेफ्ट अबाउट द बोन्स। नेक्स्ट है सर विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, तो सर ये जो लाइन है इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड, ये बहुत ही फेमस लाइन्स है वाल्ट विटमैन की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एज एन एडिटर निजीम एजेकियल वाज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, तो सर क्वेस्ट के साथ वो थे, इम्प्रिंट उन्होंने निकाला था, पोएट्री एट इंडिया पे के वो एडिटर थे, लेकिन ओपिनियन कोई नाम से कोई पीरियोडिकल नहीं था, इसलिए इसका आंसर है डी ओपिनियन। टू इविल नो इंपॉर्टेंट ट्रम्प इस वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, तो ये इसके लिए आपको बोनस मार्क मिलेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो लाइंस हैं वो स्टॉपिंग बाय वुड्स की हैं जबकि इसके अंदर ये आंसर ही नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आपको बोनस मिलेगा 83 का। नेक्स्ट है सर द मीनिंग ऑफ द इडियम टू थ्रो अप द स्पंज, इसका आंसर भी नन डी है नन ऑफ द अबव क्योंकि तो थ्रो अप द स्पंज का मतलब जैसे हमने कहता ना काम करते करते अपने स्पंज ही फेंक दिया, हमने गिव अप कर दिया, हमने अपनी डिफीट को एक्नॉलेज कर दिया, जबकि इस ये वाला आंसर इस ऑप्शन में नहीं है ना ए बी सी कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डी नन ऑफ द अबव। इसी तरह ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलरफुल फ्लैग्स, अब ये भी जो है ना ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग ये कहीं नहीं है, वैसे एक्चुअली ऐसा कोई कलेक्शन का कोई नाम ही नहीं है, कलेक्टिव नाउन ही कोई ऐसी नहीं बनाई गई जिसे हम कहें कि सर वो स्मॉल कलरफुल फ्लैग के कलेक्शन को क्या कहेंगे, इसलिए इसका आंसर भी डी है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 86 में टेनिसन के यूलिसिस में हिडीज नाम का कोई रेफरेंस नहीं आता है, हिडीज नाम का कोई रेफरेंस यूलिसिस में नहीं आता है। इसी तरह से 87 है, 87 के अंदर बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं कोई इसका ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं मानता हूं ये क्वेश्चन गलत है कि 83 और 87 मैं मानता हूं सर ये बोनस मिलेंगे आपको 83 और 87। नेक्स्ट है सर नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में फादर को क्या कहा जाता है, नरेटर के फादर को स्केप्टिक रेशनलिस्ट ही ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग कहा जाता है, लेकिन उसने कहीं कर्मा को एनालाइज कहीं नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर है डी। 89 आई डू नॉट लव आई कांट लव इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, तो सर ये सनशाइन कैट की लाइन्स हैं सर, ये हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें पैको का वो डिम्यूटिव का मतलब होता है निकनेम, कि पैको किसका छोटा नाम होता है निकनेम होता है फ्रांसिस्को का, अब सर देखिए फ्रांसिस्को का नाम है पैको। टू माइंस मैटर, इसमें भी आंसर आएगा सर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि माइंस मैटर का मतलब होता है कि जब आप कोई गालियां वाले निकालने लगे तो सामने वाला बंदा ये बोलता है तो माइंस योर मैटर, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। अब हम 92 की बात करते हैं, ही रिसीव्ड ए मॉर्टल माउंट, ये सर ट्रांसफर एपिटेप्ट का बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है, कई बार मैंने वीडियोस में बताया कि सर ये ट्रांसफर एपिटेप्ट है। इसके बाद में 94 है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इसका मतलब है कि सर हर फेस ए डिफिकल्टी बोल्डली, मुसीबत को बहादुरी से फेस करना।
सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो से आपको काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। मैंने इन क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार चेक किया, क्रॉस चेक किया है। मैं डेड श्योर हूं कि इनमें से कोई गलती नहीं निकल सकती है, पर फिर भी आपको किसी पे डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।